रहे हो बेटे यार? हैं? गुड मॉर्निंग हो गई? आजा, आजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह का समय हो गया है और बाबू का मालिश करने का टाइम हो गया है, तो मैं उसकी करने जा रही हूँ मालिश। और मैं उसे हमेशा सरसों तेल से ही मालिश करती हूँ, तो मैं यहाँ तेल लेकर आ गई हूँ और उससे मैं बातें कर रही हूँ कि अब बाबू मालिश होगी, तो मैं उसकी यहाँ पर मालिश करने अब जा रही हूँ। तो इधर मैंने बाबू की मालिश पूरी कंप्लीट कर ली थी और अब उसके मैं सर पे तेल रख रही थी। सुबह सुबह बच्चों के सर पे तेल डालना ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चों की मालिश नहीं कर पाते हो तो आप ज़रूर ऐसा करो कि आप उनके सर पे थोड़ा सा तेल डाल दो, और वो भी कोई दूसरा वगैरह तेल नहीं, सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है। मैं उसकी आरफ की हमेशा मालिश जो करती हूँ ना, वो सरसों के तेल से ही करती हूँ। और अभी जिस तरह का मौसम कर रहा है ठंडा वगैरह, इसमें बच्चों के लिए मालिश के लिए सबसे बेस्ट होता है सरसों का तेल। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तब मैं उसे नारियल के तेल से करती थी मालिश, क्योंकि गर्मी के टाइम में ना छोटे छोटे बच्चों के शरीर पे ना छोटे छोटे दाने टाइप भी आने लगते हैं, रेड रेड से रैशेस आने लगते हैं, तो उस टाइम में बेस्ट होता है कि आप नारियल के तेल से मालिश करो। तो अब इधर हमारी मालिश कंप्लीट हो गई थी और मैं नहा धोवा के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैं इधर जोत जला देती हूँ। जोत जलाने के बाद मैं आज फ्री थी, क्योंकि सानवी के पापा जो थे वो सुबह सुबह कहीं गए हुए थे और सानवी भी उनके साथ चली गई थी घूमने के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले नहा के उसकी पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह करूँगी आराम से, क्योंकि वो लोग है तो है नहीं और सानवी और मेरे साथ ही नाश्ता करती है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में करूँगी। तो इधर मैंने सारे रूम में जोत दिखा दी थी और जोत दिखाने के बाद फिर मैं एक जोत तुलसी जी में रख देती हूँ। मैं हमेशा दो जोत जलाती हूँ, एक घर में रखती हूँ और एक तुलसी जी में रखती हूँ। पानी वगैरह मैंने पौधों में डाल दिया था। और मौसम भी देखिए, आजकल मौसम भी सही तरीके से नहीं कर रहा, कभी धूप कर रहा, कभी बारिश कर रही है, कभी गर्मी ठंडी कर रही है, तो इस तरह से ना लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आरव मालिश करने के बाद आराम से दूध, देखिए किस तरह से बॉटल हाथ तो फैला रखा और दूध की बॉटल मुँह में लेके किस तरह से पी रहा है और सो रहा है आराम से। तो उधर मालिश वगैरह होने के बाद वो आराम से सो गया था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को नहला धुला के सुला दिया था मैंने। उसके बाद मैं कुछ देर के बाद फिर भिंडी और आलू की भुजिया काटने लगी थी अपने लंच की तैयारी करने। देखिए इधर आरव आराम से नहा धोवा के आराम से यहाँ पे सो रहा था, तो मैं सोची कि फटाफट से जब फ्री हूँ तो अभी मैं इधर काट लेती हूँ। तो भिंडी को मैंने चाकू से काट लिया था, क्योंकि चाकू से मुझे ईजी लगता है, बट आलू काटने में ना, ऐसे तो मैं चाकू से भी काट लेती हूँ बट इस चिलोही से काटने में जल्दी जल्दी कट भी जाता है और थोड़ा सा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में काट लेते हो। फिर मैं आ गई थी खाना वाना बैठाने के बाद आ गई थी शानवी के पास एप्पल लेके कट करके, क्योंकि वो खाना खा ही नहीं थी। और फिर मैं इसको एप्पल दे रही थी तो ये किस तरह से देखे यहाँ पे ये नौटंकी कर रही थी, ये दूध मांग रही थी एक्चुअली। फिर मैंने सानवी को दूध के बॉटल में दूध भर के दे दिया था, वो फिर दूध पीते पीते सो गई थी। तो मैंने यहाँ पे अपना खाना निकाल लिया था और मैंने यहाँ पे लगाया था अपना फेवरेट सीरियल कुंडली भाग्य। तो चलिए मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, आप सभी भी आ जाइए और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।